तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नंदन वाजपेयी और आप सभी जानते हैं कि मैं हॉन्टेड एनालिसिस वीडियो बनाता हूं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी के सामने रखता हूं। तो आज एक नया एनालिसिस वीडियो लेकर के आया हूं और आज बात करता हूं हैशटैग सच तिवारी के बारे में, मिस्टर सागर तिवारी, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से, मतलब उन्होंने शुरुआत की, एक नया चैनल बनाया, बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं जगह जगह पर। अभी मैंने हाल ही में उनका एक वीडियो देखा था, तो उनके वीडियो में एक जगह, मतलब वो जगह वो गए हैं मेरठ में जीपी ब्लॉक में। आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी हॉन्टेड लोकेशन पे जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के जीपी ब्लॉक। जिसने नहीं सुना होगा गूगल पे सर्च कर लेना, बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ लेना, ठीक है। तो जीपी ब्लॉक में एक छोटी सी बारीकी देखने को मिली, हालांकि अभी तक उनके वीडियो में ऐसी कोई कमी नजर नहीं आई है, लेकिन ये भी कोई कमी नहीं हो सकता है, उसे भी मतलब वो उन्होंने भी अपने वीडियो को शूट करने के बाद रिव्यू नहीं किया होगा शायद, ऐसा मेरा सोचना है। तो मैंने उसको प्रॉपर वे पे देखा, तो और मेरी तरह हो सकता है आप लोगों में से भी कई लोगों ने उसको जो है प्रॉपर तरीके से देखा होगा, तो कुछ लोगों को वो बारीकी नजर आई होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस क्लिप के बारे में, जो कि इसमें जो है क्या है, जब जीपी ब्लॉक सागर भाई गए, जहां पर बताया जाता है कि जो है एक लाल वस्त्रों में, जो है लाल साड़ी में जो है एक औरत दिखाई देती लोगों को, ऐसा वहां पे लोगों का मत है। यहां पे एक रेड गार्मेंट में, रेड साड़ी में एक वुमेन घूमती है रात को। बताते तो हैं कि शाम को भी कई लोगों ने देखा है, 5-6 बजे के टाइम पे। मैंने बहुत रिसर्च किया झूठी स्टोरियों पे कि यार क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा। तो बताते हैं कि रेड साड़ी में एक वुमेन घूमती है यहाँ पे, जो लोगों को आते जाते दिखती है। तो सागर भाई वहां इन्वेस्टिगेशन करते करते जो है बाहर की तरफ जब जाने लगे, तो बाहर की तरफ से सागर भाई गेट पे खड़े थे, उस जीपी ब्लॉक पे के दरवाजे पर अंदर ही टहल रहे थे और बात कर रहे थे, कैमरे पे ही उनका फ्रंट साइड पर फेस था, और बाहर की तरफ से किसी ने एक पत्थर फेंका जो कि जो है सागर भाई के पैरों पे आकर के सीधा गिरा है। एरिया। और आपको बता दूं सागर भाई को, आपको भी बता दूं कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा कि मैंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा, मतलब मैंने क्या उस चीज़ में जो है बारीकी बता रहा हूं मैं। वो पत्थर आपको साफ साफ नज़र आएगा। आई थिंक उस वीडियो का जो टाइमिंग है वो 11:04 के आसपास का है ये सीन, और इनकेस मैं गलत भी अगर होता हूं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, हो सकता है मुझे टाइम प्रॉपर याद नहीं, मैंने कहीं नोटिफाई नहीं किया है, अभी जल्दी मैं वीडियो ये बना रहा हूं। तो जहाँ तक मैंने माइंड किया था उस चीज़ को कि ये 11:04 के आसपास का जो है टाइमिंग का वो क्लिप है आपका, उस पर बाहर से पत्थर आ रहा है और वो पत्थर सीधे आपके पैरों पर गिर रहा है आकर के, और बड़ी बात ये है कि उसकी प्रॉपर साउंड जो है उस पत्थर के आने की, वो भी आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। और उसको कीट पतंगा या टिड्डा या कुछ भी ऐसे जो है नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उनकी वो कैमरे पे दिखाई तो देते हैं, उनका फ्लैश मतलब इस तरीके से वो चमकते हैं, लेकिन साउंड तो नहीं आएगा ना उनका, एक पत्थर फेंकने जैसा लाजमी है, तो उसका वो पत्थर भी दिखाई दे रहा बाहर से, किसी ने फेंका और उस पत्थर को जब वो आपके पैरों के पास जमीन में गिरा है तो उसकी साउंड भी जो है कैप्चर हो गई है कैमरे पे। तो ये एक बारीकी है छोटी सी, इसको आप लोग देखिए और जरूर बताइए, सागर भाई आप जरूर देख करके बताइए कि क्या है, बाकी आप लोग ज्यादा अच्छे से जज कर सकते हो, अपना काम कंटेंट, ये हमारा कंटेंट है तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। अभी दूसरी बात करते हैं, अभी हाल ही का सागर एक और, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, आप दूसरा पॉइंट उठाते हैं कि अभी हाल ही में जो है सागर भाई गए थे, दोबारा गए थे बच्चों के शमशान घाट, ऐसा इलाका है दिल्ली में कोई, मैं तो नहीं जानता, पर कई फेक व्लॉगर्स भी जाते रहते हैं उस तरफ, जो हॉन्टेड हॉन्टेड चिल्लाते हैं और 8 बजे निकल जाते हैं। तो आप तो खैर रात को जाते हो नो डाउट, उसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि गूगल टाइम भी आप शो करते हो अपने वीडियो पे, तो ये एक अच्छी बात है, तो वो इशू नहीं है। और
कोई इशू भी नहीं है वहां पर प्रॉपर। बस ये एक बारीकी ये दिखाई दी है कि अगर आप अकेले, मेरा कहने का मतलब ये क्या वहां उस दिन तीन लोग थे क्या, क्योंकि आप थे और एक साथ में आपका कैमरामैन हो गया, फिर वो जो कार है उसका हॉर्न ब्लो किसने किया था? जो चीखने की आवाजें मारता है, बुलाता है, पुकारता है, और वो कार आपी में से दो में से किसी एक की होनी चाहिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि रात में आप जा रहे हो और वो शमशान घाट के आसपास तो कार तो नहीं होगी वहां पर ना किसी की, और अगर होती भी तो थोड़ा सा जल्दी टाइम में होती, रात में तो लोग सो जाते हैं, तो आप में से किसी की कार क्या, तो मतलब आप थोड़ा सा डिफाइन करो, क्या आपके साथ कोई आपका फ्रेंड सर्कल का भी आया था उस दिन कार पे बैठा था, क्योंकि या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी जिसकी ये हरकत थी कि उसने कार का हॉर्न ब्लो किया, क्योंकि आपके वीडियो में वो हॉर्न ब्लो जो है साउंड साफ साफ जो है सुनाई दे रहा है, पुकारता है। तो ये दो पॉइंट है, बस छोटा सा एक एनालिसिस है, इसको एनालिसिस नाम दो या जो भी दे दो, बस मन में आया और बारीकी थोड़ी सी दिखाई दी तो मैंने कहा भाई डाल देता हूँ, कंटेंट है कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरी चीज़ सागर भाई, ये चीज़ आपका ही कहना है कि हमारे वीडियो में भी कोई अगर कमी दिखे तो हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बताएं, तो मैं एज अ क्रिएटर और एज अ सब्सक्राइबर दोनों तरह से जो है इस चीज़ को जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहा हूँ, तो लाजमी है कि आपको जवाब इसका अगर दे सके तो बेटर होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करेंगे आपके इसके जवाब देने का, क्या था वो माजरा जीपी ब्लॉक का, वो पत्थर किसने फेंका था, और वहाँ पर आप में से हम में से कई लोग ये भी चाहेंगे कि सागर भाई वहाँ पर दोबारा जाओ जीपी ब्लॉक, अभी नहीं, अभी तो सिचुएशन थोड़ी सी जो है गंभीर हैं सभी जानते हैं, जब फ्री होना, जब टाइम या सिचुएशन थोड़ी सी ओके हो जाए तब जाइए और उस चीज़ को दोबारा उस एरिया को कवर करो जहाँ पर वो पत्थर बाहर से किसी ने फेंका था, या वो फिर किसी की शरारत थी या जो भी था उसको कैप्चर करो, या थोड़ा सा अपने वीडियो को रिव्यू करके हम लोगों को जवाब दो। तो बस होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर एनालिसिस कंटेंट, तो मिलते हैं फिर, बाय।